प्रभु मसीह ने मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों पवित्र परम प्रसाद यानी प्रभु यीशु को भक्ति श्रद्धा और सम्मान के साथ जुलूस में आप लोगों ने सेंट मरियम रिलीफ स्कूल से हमारे महाविद्यालय में लाकर हमारे धर्म के लिए इस बल्ली और पूरे संसार और हमारे देश के लिए हम लोगों ने मांगे थे। माता कलीसिया आज के दिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा इस घोषणा के साथ इस महापर्व को बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाती है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 में हम लोग 4 में हम लोग पढ़ते बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य ईश्वरत्व प्रज्ञा शक्ति तथा सम्मान का अधिकारी है, उसकी महिमा और उसका यह सामर्थ्य अनंत बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ हम इस त्योहार को मनाते हैं। प्रभु में सामर्थ्य है, ज्ञान है, ईश्वरत्व है, अधिकार है, महिमा भी उसी की है, सामर्थ्य उसका आनंद गाकर हम लोगों के मध्य में मना रहेगा। आज के दिन संत पापा फ्रांसिस रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका का प्रवेश द्वार को खोलकर जुबली वर्ष 2025 की उद्घाटन करेंगे। हमने ईसा के बाद हमारे धर्म प्रांत में इस जुबली का उद्घाटन समारोह मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के बाद 2025 वर्ष समाप्त हो रहे हैं और उसी खुशी में माता कलीसिया इस जुबली को मनाती है और मनाने के लिए एक वर्ष की पूर्ण तैयारी भी करती। पूरे साल में हमारे धर्म प्रांत में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे जुबली के उपलक्ष्य पर। आइए हम विश्व बलिदान को चढ़ाने से पहले अपने अंतरात्मा की जांच करें। हम सभी तुच्छ अयोग्य मानव प्रभु यीशु को हमारे दिल में स्वागत करने के लिए अपने आप को अयोग्य पाते हैं। हमारे त्रुटियों को पापों को हम स्वीकार करें और इस पवित्र बलि चढ़ाने के लिए योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोलिए भाइयों बहनों मैं सब ईश्वर आपको उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने कसूर से अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है, इसलिए मैं नित्य गुवाही धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों संतों और आप लोगों से भाई और विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वश दिवाश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। Thank you.
Oh,
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर तेरे प्रिय पुत्र कृष्ण सारी सृष्टि के राजा है। तेरी इच्छा है कि इन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो, ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि दासता की पेड़ियों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु कृष्ण के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते प्रभु मेरा।
कोई कमी नहीं, पर मुझे जल्दी निकट ले जाकर मुझ भी रब जीवन का संचार करता है। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। मैं जीवन भर बिना रहता हूँ, प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूँगा। जिसने सब कुछ उसके आधीन कर
कर दिया और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। प्रभु की वाणी। जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी
तुमने मेरे लिए नहीं किया और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों, एक सज्जन नदी में डूबने लगा और जिसने इस आदमी को डूबते वक्त देखा उसने भी पानी में छलांग लगाई और डूबते वक्त इंसान को बचा लिया। जो नदी में डूब रहा था जिसने जिस जो बच गया दिनों के बाद शहर के सोने के दुकान से उसने सोना चुराया और इस कारण जब पकड़ा गया कोर्ट में उसको न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया। जब इसने देखा कि जो न्यायाधीश वहां पे बैठा है वही इंसान है जिसने इसको नदी में डूबते वक्त बचाया था, सोचने लगा मेरी मन उस दिन इसने पानी में छलांग लगाकर एक बड़ा रिस्क लिया था और मुझे पानी में डूबते वक्त मुझे बचाया, शायद अभी भी मुझ पर ये न्यायाधीश दया दिखाएगा। उतनी बड़ी रिस्क लिया हुआ इंसान एक छोटा सा जो न्याय मुझे मिलना है देना है वो शायद दर्द से मुझे बचाएगा। सुनवाई की और इस न्यायाधीश ने उसको 6 महीने के लिए जेल में डालने का आदेश दिया। आपने उस दिन नदी में इतना बड़ा रिस्क लेकर मुझे बचाया अभी आप नहीं बचा पाते मुझे। न्यायाधीश ने कहा उस दिन आई वॉज योर सेवियर, मैं तुम्हारा बचाने वाला रहा तुम्हारा मुक्तिदाता रहा लेकिन इस दिन आई एम योर जज, मैं तुम्हारा न्याय करने वाला हूं। हम लोग हमारे पूजन वर्ष के आखिरी वार में रविवार और वर्ष ए समाप्त करते ही हम लोग आने वाले वार से वर्ष बी में प्रवेश करते हैं। We move to the liturgical year B from next Sunday onwards. और आज जब प्रभु यीशु मसीह को कृष्ण को सारी सृष्टि का राजा कहकर हम उसकी घोषणा करते हैं, जे जे कार्य हम लोगों ने किया प्रभु को जुलूस में लाकर देखने वालों को ये भी साक्ष्य दिया कि प्रभु राजेश्वर राजा है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा रचयिता, हमारा सृजनहार, रक्षा करने वाला प्रभु है। इन घोषणाओं के साथ प्रभु की महिमा को हम लोगों ने जुलूस के दौरान गाई। राज के पवित्र पाठों में हमें जो स्तोत्र ग्रंथ से गीत जो हम लोगों ने सुना अंतर भजन, वहां पर प्रभु को भला चढ़वा भला कड़ेरिया ये रूप लेखक देता है। यह
कहता है प्रभु ही मेरा भला करे रिया है और मुझे कुछ बात की कमी नहीं। गीत को हम लोगों ने गाया और आज के दूसरे पाठ में हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों ने सुना। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते वक्त पौलुस भक्तों को याद दिलाता है कि प्रभु जो पुनरुत्थान होकर स्वर्ग चले वे महिमान्वित प्रभु ने, वे हमारे मुक्ति के लिए इस धरती पर आए और उन्होंने पापों से अपने मृत्यु के साथ हम लोगों को बचा दिया। और आज का शुभ संदेश में हम लोगों ने सुना कि प्रभु हमारा न्याय करता नजर आते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जीवन भर और मरने के बाद भी प्रभु हमारा मुक्ति दाता ही नजर आएगा ना। कभी कभी प्रभु हमारे समक्ष मुक्ति दाता के रूप में खड़ा होगा, लेकिन ऐसा समय आएगा कि प्रभु मात्र न्यायाधीश होगा जो दंड देगा, जो हमें न्याय देगा। 2025 वर्ष को जब प्रभु यीशु मसीह का बेथलहम नगरी में जन्म हुआ, वो प्रभु जो स्वर्ग में थे पृथ्वी के साथ, उन्होंने इस धरती के पानी में यानी हमारे पाप में पानी में छलांग लगाया। हम पाप में ग्रसित डूबने मरने वालों इंसान को बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए प्रभु स्वर्ग से धरती पर उतर आए और हमारे बीच रहने लगे। वो समय था मुक्ति दाता का, वो समय था हम इंसान को मुक्ति प्राप्त करने की, और उसी मुक्ति को अब तक हम लोग ने पाई है। बार बार प्रभु ने हमारी रक्षा की है, हमें संभाला है, कोई भी भेद के लिए ढूंढ कर प्रभु ने हमें हमारा जीवन दिया है, क्योंकि प्रभु जीवन देने वाले प्रभु हैं, वो हमें शक्ति सामर्थ्य देने वाले प्रभु हैं। और इस प्रभु ने बचाकर अपने आप को क्रूस के बलिदान में तैयार देकर उस त्याग के जरिए प्रभु ने हमें बचा दिया और हमें आजादी दी कि मुक्ति को हम किस रूप से अपनाए। और इसको अपनाने के लिए प्रभु ने हमें सात संस्कार किए, पवित्र यूक्रिस्ट का बलिदान भी प्रदान किया। और इसी कारण प्रभु आप चाहते हैं कि हम न्याय के समक्ष खड़े होने के लिए योग्य पाए थे, और उस योग्यता को पाने के लिए हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं, संस्कारों को स्वीकार करते हैं। यूरोप के यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाई का सत्र चलता है, एक दो महीने पहले परीक्षा के पहले एक समय होता है, एक या दो हफ्ते का समय, उसको AOC समय कहा जाता है। AOC वीक, AOC का मतलब है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पढ़ाई तो बहुत होती साल भर, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना है AOC। हमारे मुक्ति के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए आज का सुसमाचार हम लोगों के लिए AOC है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक दिन एक फरीसी ने प्रभु से यह सवाल किया, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु ने बहुत ही संक्षेप में कहा, लव योर गॉड एंड लव योर नेबर। अब अपने ईश्वर से प्यार करो और साथ ही साथ अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। तो न्याय की दिन क्या होगा? न्याय
के दिन हम लोगों से प्रभु ये नहीं पूछेगा कि कितनी माला विनती हम लोगों ने की है, कितने संतों की भक्ति के साथ हम लोग ने दुआएं की है, कितनी बार हम लोग चर्च गए हैं और कितने बाइबल के पवित्र वाक्यों को हम लोगों ने रख लिया है। न्याय के दिन प्रभु ये नहीं पूछेगा, न्याय के दिन प्रभु इतना ही पूछेगा, Have you loved your God? Have you loved your neighbor? क्या तुमने अपने ईश्वर से प्रेम रखा, अपने पड़ोसी को प्रेम किया? इसी सवाल को प्रभु शायद हम लोगों के साथ पूछेंगे। इसलिए अंग्रेजी ने एक गाना भी, Whatsoever you do to the least of my brothers, you do unto me. गाना और अंग्रेजी जितनी में भी हम लोग कभी कभी ऐसा एक गाना गाते ही, भाइयों को जो किया मेरे लिए किया, रघुराज में आओ भाइयों को जो किया, भाई बहनों को जो किया उसी के कारण तुम लोग स्वर्ग राज्य का हकदार हो। देखिए बाइबल में कुछ ही वाक्यों में हम लोग प्रभु को राजा मानते हैं। जब जनता चाहती थी कि प्रभु को राजा बनाए क्योंकि उन्होंने तमाम चमत्कार किए थे और सोचा था कि सरकार को भी प्रभु संभालेंगे और इसलिए उन्हें राजा बनाना चाहते थे। पिलातुस के दिमाग में ये भी सवाल था, क्या सचमुच में प्रभु यीशु राजा नहीं? लेकिन प्रभु ने उसके सवाल को जवाब दिया और कहा, जो तुम सोचते हो वो सच है, लेकिन उस सोच भी तुम्हारी गलत है कि मैं इस धरती का राजा वैसा नहीं हूं जैसे कि सिंहासन या गद्दी पर बैठकर सत्ता को संभालने वाले राजे राजा है। यार भाई और बहनों, प्रभु राजा को हम लोग किस्त सिंहासन से पाते हैं और कहा ये राजा हमें दिखाई देते हैं। प्रभु राजा को आज के शुभ संदेश में हम लोग देखते हैं। आज का शुभ संदेश हम लोगों के लिए स्वर्ग राज्य को पाने के लिए एओसी है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा स्थान है जिसमें हम लोगों को मन दिल जीवन केंद्र करना है, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वो सिंहासन सिंहासन कहां पे है? प्रभु कहते हैं भूखों में, जहां भूखे रहते वो कभी प्रभु की गति होगी क्योंकि प्रभु उनके साथ है, जहां लाचार लोग रहते हैं वो प्रभु का सिंहासन है, प्रभु राजा वहां निवास करते हैं, जहां पीड़ित और रोगी हैं, जहां लोग नंगे हैं, जहां लोग बेघर हैं, जहां माइग्रेंट्स हैं, वहां पर प्रभु की गति हमें दिखाई देगी। उस आसन पर प्रभु बैठता और दुनिया का राज्य करता है। इसलिए प्रभु कहता, मैं पेड़ और बकरियों को अलग कर दूंगा, यानी जो उस स्वर्ग के लिए योग्य है वे अलग कर दिए जाएंगे। वहां पर प्रभु हमारी मुक्ति नहीं करेगा। मुक्ति के लिए प्रभु ने हमें समय दिया, वचन पढ़ने का, तालीम पढ़ने का और साथ ही साथ संस्कारों की कृपाओं के साथ हमारे जीवन को संभालने का वो समय प्रभु ने यहाँ दिया है। वहां केवल हमारा न्याय होगा और न्याय इस प्रकार का वचन कहता है कि उन्हें कहीं दूर ढकेल दिया जाएगा जो स्वर्ग राज्य के लिए योग्य ना हो और वहां पर वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये प्रभु का न्याय है और जो योग्य पाए जाएंगे उनको प्रभु के सिंहासन के पास प्रभु खड़ा कर देगा, प्रभु की महिमा गाने के लिए संतों के
के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करने के लिए। एसेकियल का ग्रंथ अध्याय 34 में हम लोगों ने सुना, मैं स्वयं अपने पेड़ों को सूख दूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। ये देखभाल के लिए ही प्रभु मेघना बना। योहन्ना ने प्रभु को इंगित कर कहा कि ये मेघना है, बलि का मेघना है, और ये बलिदान जो है संसार के मुक्ति के लिए है। भेद भटक जाने पर जैसे गडेरिया उसको पता लगाने के लिए चला जाता है और खोजता है, वही आज जो है जीवन भर प्रभु हमारे साथ कर लेता, लेकिन फिर भी आप खो जाते हैं तो फिर स्वर्ग राज्य के लिए हम लोग अयोग्य हो पाते हैं। यदि हम प्रभु से सवाल करेंगे, प्रभु तुमने हमको हमने को कहां देखा, किस गरीब ने देखा, किस नंगे ने देखा, किस बेगर के इंसान ने देखा, तो प्रभु कहेंगे मैं खुद था वहां पे, वो मेरी गद्दी थी, मेरा सिंहासन था, और उस सिंहासन से मैंने दुनिया का राज्य संभाला। जब हम प्रभु को सृष्टि का राजा, हमारे जीवन का राजा, हमारे संपूर्ण भविष्य, मुक्ति और न्याय का राज्य मानकर उनकी घोषणा करते हैं, हम ये उसी को ना भूले। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यही है गरीब, पीड़ित, दुखदर्द और संकट में जिसे भी ये स्थान, वह एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। यदि वहां पर हम लोगों ने कुछ किया, न्याय के दिन हम लोग पाएंगे, अन्यथा नरक में दांत पीसते रहेंगे। हमारे विश्वास को हम सभी खड़े होकर दोहराएंगे, सभी मिलकर कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके पुत्र अपने यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, सृष्टिमान पिता ईश्वर के दाहिने हाथ में विराजमान है, और वहां से पृथ्वी को और तुम का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, प्रेम की सहायता, पाप की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तेरी दया में हर क्षण प्राप्त होती है, और इसका कारण प्रेम और दया तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए संसार को प्रदान की है। प्रभु ने इस दुनिया में जीते वक्त हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाया, सेवा धर्म ये क्या होता है, और स्वर्ग राज्य पाने के लिए किस प्रकार और कहां पर हमारे मन केंद्रित होना है, इस शिक्षा प्रदान की है। इन सभी कृपाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। करुणालय राजेश्वर, आज के दिन पूरे संसार के लिए, देश और हमारे निजी जीवन के लिए तुझसे हम आशीष मांगते हैं। हम अपने संत पिता, सभी धर्मादेशों, पुरोहितों एवं
धर्म संघों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के जीवन तथा उदाहरण का अनुकरण कर सभी ग्रीस के विश्वासियों के बीच ग्रीस के प्रेम तथा दया को प्रकट कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम परंतु कलीसिया में बुलाहटों की वृद्धि के लिए प्रार्थना करें कि बहुत से युवा जन प्रभु की पुकार सुने और उत्साह एवं उदारता पूर्वक इसका प्रत्युत्तर देकर ईश्वर के राज्य की महिमा गरिमा का मूलभूत रूप से साक्ष्य दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम उन सभी बीमार लोगों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो गंभीर रोगों से पीड़ित है। प्रभु उन सबों को अपने चंगाई वाले हाथों से स्पर्श करें जिससे वे अपने रोगों से छुटकारा पाए। रोग के सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के नाम की महिमा गाएं। इसलिए हम हमारी प्रार्थना सुन। आज हम प्रार्थना करें अपने देश के परदेश के नेताओं के लिए, हमारे देश में परमेश्वर की शांति बनी रहे, संपूर्ण के एक साथ एवं भाईचारा बना रहे, देश के नेताओं में प्रज्ञा बुद्धि विवेक का विकास हो ताकि वे निष्पक्ष रूप से अपने अपने कार्य का संचालन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध एवं अशांति जो इन देशों में फैली है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की दया, करुणा एवं शांति इन देशों पर बनाए रखे जिससे लोगों में छाया हुआ भय समाप्त हो, दोनों देश शांति के लिए आगे बढ़े ताकि लोग अपना जीवन शांति में ढंग से बिता सके। ईश्वर को धन्यवाद करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने प्रिय पुत्र यीशु क्राइस्ट के राज्य में हमें लाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी कृपा प्रदान कर आशीष देते हैं कि हमारे अंदर तभी मेरा जो आत्मा निवास करता है वह तेरी पुत्र की निष्ठा को सेवा करने में हमारी सहायता करे ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज्य उनकी महिमा में भागी बन सके। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा। आमीन। Roti ya.
धन्यवाद दे
सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुमने आनंद के खेल से अपने एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु कृष्ण को शाश्वत पुरोहित और सृष्टि के राजा अभिषिक्त किया ताकि वे निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि के रूप में स्वयं को पुरुष की वेदी पर अर्पित करके सारी मानव जाति का उद्धार करें और सारी सृष्टि के स्वामी बनकर शाश्वत तथा सर्वव्यापी राज्य सत्य तथा जीवन का राज्य पवित्रता तथा कृपा का राज्य न्याय प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दे। इसीलिए दूतों महादूतों सिंहासन और साम्राज्य स्वर्गीय सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हिम नंबर 722 संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु कृष्ण के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब विश्व जा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और से अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और पापों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। द्वारा
प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तथा समान युगानुयुग तेरा ही मुक्तिदाता की आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ रहा हूं। साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम निकले जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार छूट गई और हमारे अपराध क्षमा कर दे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्ति दाता प्रभु यीशु क्राइस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट तूने अपने प्रेतों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास दया और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं, धन्य है वे जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु मैं शिव की नहीं हूँ कि मेरे आए इन्हें के शब्द कह दे और मेरी आत्मा जीवित जाएगी।
Aşirvad, aap logon par utre, aur sada bana